समन भैया श्री प्यारे लाल कजरिया आपके कर कमलों से 21 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 मुद्राएं समन भैया श्री अजय भाई जी आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। समन भैया बद्दी विशाल जी अजय के बड़े भाई हैं आप, आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं हैं, हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा 31 से आपको बोल रहा हूँ। धरना बहुत छोटा सा कटपीस गा रहा हूं और धुन भी बहुत प्यारी बता रहा हूं, लेकिन कहना है वक्त नूर नूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। कभी जिंदगी जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती है। गुनाह तो कराती है इंसान की मजबूरियां, पर जिंदगी कभी भी गुनहगार नहीं होती है। क्या बात बेटे, ये धुन बजी है पर्वत के ऊपर पर्वत के ऊपर घटाएं गिर आए तो क्या बरसात हो। राखी जी, अरे दिल से ये मेरे तेरा दिल टकराए तो क्या बरस का आए, 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 आए। तू कितने बरस की मैं कितने बरस का, और तू 16 बरस की मैं 70 बरस का। क्या कह रहे हो गुरु, गड़बड़ हुई का? हाँ 70 वर्ष में तो बुढ़ापा आ जाता है। अरे तो मास की जुबान है, स्लिप हो गई तो हो गई, खैर कोई बात नहीं, सुधार कर दीजिए। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का हामिल जाए नैना, ये मिल जाए नैना एक दो बरस जरा दूर रहना, ये कुछ हो गया तो फिर ना। Ha 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 ha
फिल्मी दुनिया के लोग कहते हैं। हाँ, आप बैठिएगा और सुनिएगा बहुत गौर से। भगवान कन्हैया माता यशोदा से जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, कह रहे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, नहीं दिया तो जय हो अब ही लोटी धरनी माँ तोहरी गोद नहीं हो। चंदा मामा चाहिए बिल्कुल। माता यशोदा थाली में जल भर के लाई, सामने रख दिया, चंद्रमा दिखाई दिया, कहा कन्हैया ये है चंदा मामा। अब कन्हैया ने उस जल में हाथ डाल दिया तो चंद्रमा गायब हो गया। कहा मैया नकली वाला नहीं, असली वाला चाहिए। हाँ, असली वाला चाहिए। तो कन्हैया अपने मन में विचार कर रहे हैं कि एक ये है चंदा मामा और एक वो है मेरा कंस मामा, दुराचारी मामा। देखो उन दोनों मामाओं में कितना अंतर है। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं, मामा ने माँ के कन्हैया सोच रहे अपने मन में कि वो मामा कंस ने मेरी माँ देवकी के, अरे मामा ने माँ के तुम्हारे छे मारे वो मक्कार है, उसे किकार है। लेकिन फिर भी मेरी माँ देवकी, मामा ने माँ फिर भी मानती है मामा को, अरे मामा ने तोड़ा ये सारा शिष्टाचार है, ये अत्याचार है। कन्हैया सोच रहे अपने मन में कि मामा से माँ प्यार है, चंदा मामा से तो प्यार है लेकिन अरे मामा से माँ प्यार है, चंदा मामा से प्यार है लेकिन कंस मामा से टकरार है, अरे मामा से माँ प्यार है पर मामा से टकरार है। क्यों? क्यों? क्योंकि मामा और मामा का कितना अलग अलग त्योहार है। क्योंकि एक रोशनी देता है और दूसरा रोशनी छीनता है, छीनता है। लेकिन कन्हैया सोच रहे हैं अपने मन में कि मामा और मामा का कितना अलग अलग व्यवहार है। एक ऊपर मामा चंदा मामा, एक ऊपर मामा भूपर मामा, आए 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 एक ऊपर मामा एक भूपर मामा। कन्हैया ऊपर भूपर मामा, ऊपर भूपर मामा। तो ऐ मैया, मैया छोटा सोच रहे कन्हैया अपने मन में क्या, ऊपर से लादे मामा ऊपर चंदा मामा मांग रहे हैं। तो ऊपर से लादे मामा, अरे ऊपर मा तो ऊपर से भेजू मामा ऊपर। मामा
काकी जी और उनके बहुत ही बेहतरीन सहयोगी कलाकार। हेलो 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 फिर एक बार सभी लोगों ने सुना है भाई साहब को। वाह कहाँ गए और दुनिया के सबसे ज्ञानी श्री श्री 108 ये भी उपाधि कम है। कहा है श्री श्री 108 एक लाख कहा गए जी का मास्टर को सुन रहे थे आप लोग और कह रहे कि भैया तुम लोग स्कूल के पीछे पड़े हो पनीरी खा के पड़े हो। शाबाश बिना पनीरी खाए तुम पड़े हो क्या बताएं कहाँ गए। ये पनीरी स्कूल में अगर पढ़े होते तो शायद आज 7 फुट के होते क्योंकि पोलियो सिर्फ पंजीरी स्कूल में मिलती है बस। आप मेरी बात का मतलब ही नहीं समझ पाए। हाँ वो कहाँ गए बता रहे हैं कुत्ते नहीं सीमा पे शहीद होते कहाँ गए पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं कभी अखबार अखबार उठा के देख लिया कभी। अभी जल्दी में कम से कम 6 कुत्ते शहीद हुए। हाँ तो तुम्हारे यहाँ जौलौन में तो कटहे कुत्ते मिलते तो तुम कहाँ जाना। लेकिन अब यही है कि जाकी रही भावना जैसी। हाँ बाकी सब ठीक है। हम सोचे खाली कद ही छोटा इनकी बुद्धि भी छोटी। कह रहे कि मंदोदरी मंदोदरी कभी रावण से गलत बोल ही नहीं सकती। औका मंदोदरी कभी रावण को गलत नहीं बोल सकती ना। अरे तो मैंने कब कहा कि मंदोदरी गलत बोल रही है। मंदोदरी बोली नहीं रावण समझा रहा बस। अब जिस व्यक्ति को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे कटपीस में रावण बोल रहा है कि मंदोदरी बोल रही है वो जवाब क्या देगा। ये तो कहो तुम नहीं थे ना तुमसे भी कहता तमाचा 3-4 पर दी। अजीब मोहम्मद रफी। हाँ कर दे मोहम्मद रफी नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन ये मोहम्मद रफू तो है। सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। गाने वाले मोहम्मद रफी हैं और जो झीका मास्टर हैं वो है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के भाई हत्यारे लाल। वो उनसे भी बड़े वाले हैं। मेरे टुकड़े में मंदोदरी नहीं बोल रही है मेरे टुकड़े में रावण ही बोल रहा है। और रावण ने देखा इधर आ जाइए इधर लिखवा दी। रावण ने सुना कि मंदोदरी राम की बढ़ाई कर रही है राम की तरफदारी कर रही है अपने दुश्मन की बढ़ाई उसको सहन नहीं हो रही है तो अपनी पत्नी से बोला कि बंद बकवास कर गलती एहसास कर वरना मर्द मेहरारू में बवाल हो जाई और तमाचा पड़ने वाला है तो कनपटी लाल हो जाई। भावनाएं समझो बस। कैसे कैसे लोग लिख देते। अब जिसको कटपी समझ में ही ना आए तो जवाब तो उल्टा सीधा देगा ही। और हाँ कह रहे हैं क्या नाम लिखवा रहे हैं। अरे पुरस्कार लिखवा रहे
भैया इनका समझाओ भैया, इनका ले जाओ भैया, वे तार वार देखे रहे उधर यार। भैया भैया अरे राम अरे वो कुछ पता नहीं क्या लिखा है उसमें। हमको तो आप भी नहीं समझ में आ रहे हो। क्योंकि इस समय आप दूसरी दुनिया में है ना। हाँ। चलो जवाब कट पीस का दिया है क्या? कि बात ना मानी तो बात बढ़ जाई। अगर मेरी बात ना मानो, हाँ ना माना अगर मेरी बात ना मानी तो तुझको लात पड़ जाई। कहाँ गए राइटर? राइटर महोदय कहाँ? रदीप काफिया देखो कहाँ जा रहा है। आप मुझे सिखा रहे कि रदीप काफिया नहीं मिल रहा है? इतने दिनों से लिख रहे हो अभी रदीप काफिया नहीं मालूम? आप ही लोग लड़ लो भाई। छोड़ो भैया कुर्सी किराए की। छोड़ो भैया छोड़ो यार। दूसरी जवाब ही होने लगी। आप भी रुक जाइए। चलिए छोड़िए भैया। बात ना मानी तो बात बढ़ जाई। अगर मेरी बात ना मानी तो तुमको लात पड़ जाई। लात पड़ जाई केवल इतना कहा है रावण ने, बस लात मारी नहीं। अरे लात मार के लंका से निकाल दिया। कहने का मौका नहीं दिया था ना, तो कहने का मौका दिया है। अगर मैं कहूं कि ऐसा भी मानस में कहीं लिखा नहीं है, लात पड़ जाएगी, कि पहले रावण ने कहा कि तुमको लात मार देंगे मेरी बात मान जाओ, उसने ये कहा नहीं, डायरेक्ट लात मारी है उसने। बस वो जीने पर से ढलकता हुआ नीचे आ गया। रामायण देखे हो कि नहीं कभी? कैसे कैसे लोग, बिजली बिजली आती है कि नहीं? लेकिन अब ठीक है, क्या बताए। और गाने गाने का तो ऐसा पोस्टमार्टम किया है आपने। रावण भगवान श्री राम रावण से कहने लगे क्या? बोले मैं तुम्हें अकेले मारने थोड़ी आया।
राम जी कहने लगे क्या पूरे परिवार को मिटाने की जरूरत थी मुझे। तो विभीषण को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो परिवार में थे। अजीब आदमी, हमको नहीं समझ में आ रहा ये लिख कौन रहा है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा बेटा। क्या बताऊं आप, बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। हाँ, इनका इनका दिल बाग बाग हो गया और जीके मास्टर का दिल चार बाग हो गया। दूसरे भाई साहब उनका कवालम बाग हो जाए। चलिए क्या ठीक है, दिल है कि छूटने का गिरवा। छोड़ो बेटे, बहुत गुस्से में गाओगे तो ऐसा होगा कि पर्वत के ऊपर खूब सार साला पा रहे हो आजकल तो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ना तो वो 70 बरस के ना हम 16 बरस के हैं। हाँ, देखने में लगते हैं बस। हवाई किया करें तो सुधर सकते हैं। बढ़िया गीत दिया है आपने, बढ़िया। ऊपर ऊपर कन्हैया देखिए छोटे से हैं। आओ का कितने छोटे बेटे बताओ, समझने वाली बात है। कन्हैया छोटे से हैं और चंद्रमा के लिए मचल गए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और अपनी माँ से क्या कह रहे हैं, बोले माँ अगर ऊपर वाला मामा तो भू पर ला दे तो भू पर वाला मामा मैं ऊपर भेज दू। अच्छा ऐसा कहा कौन उन्होंने, अभी तो बड़ी आप प्रमाण की बात कर रहे थे। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, ले ना देव देख तो ले। अच्छा क्या उस समय ऐसा कहा था उन्होंने कि चंद्रमा को नीचे ले आओ तो हम नीचे वाले मामा को ऊपर भेज देंगे। सारी बातें सारा जवाब केवल किताबों से नहीं होता है, कुछ कवि की कल्पना भी उसमें शामिल होती है, तब जाकर के रचना साकार होती है। केवल सारी किताबों का अध्ययन नहीं होता। आप कह रहे हो क्या मंदोदरी ने ऐसा कहा था, क्या रावण ने ऐसा कहा था कि हम कनपटी में मार देंगे तो लाल हो जाएगी। अरे कुछ कल्पनाएं भी शामिल की जाती हैं, कुछ हृदय के उद्गार भाव भी शामिल किए जाते हैं, तब कोई रचना हो पाती है। और ना तो उस समय ऐसा कहा था उन्होंने और ना आपकी बात सही है। आइए लेकिन भूपर ऊपर जो बात आप लाए हो सुने, आप सुनिए सुनिए। अरे काले ने काली
बिलाप करने लगी, लेकिन हुआ क्या? अरे काला करता पाप है, काली दे के अंदर कालिया है, वो काला करता पाप है और काले का संताप है। क्यों? एक बाहर काला, एक अंदर काला। बाहर काले कन्हैया और अंदर काला नाग। तो एक बाहर है काला, एक अंदर है काला। बाहर किशन कन्हैया काले, अंदर कालिया नाग काला। तो कहा गया